साउथ ईस्ट दिल्ली के भोगल इलाके में मौजूद ये आलीशान ज्वेलरी शोरूम और शोरूम की दीवार पर बनी ये 1 फीट लंबी और 1.5 फीट चौड़ी सुरंग। वैसे सुरंग के हिसाब से देखें तो ये छेद अपने आप में काफ़ी छोटा है, जिसे बनाने में बमुश्किल 1.25 घंटे का वक्त लगा होगा। लेकिन इसी छोटी सी सुरंग से होते हुए कुछ गुमनाम चोरों ने रविवार 24 सितंबर को दिल्ली में ज्वेलरी हाइस्ट की इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया जितनी इससे पहले कभी नहीं हुई। जी हाँ, ज्वेलरी शोरूम में चोरी, और वो भी 25 करोड़ रुपए से ज़्यादा की। शोरूम के मालिक मंगलवार की सुबह जब अपनी दुकान की हालत देख रहे थे तो उनका तो दिमाग घूम गया होगा। आनन फानन में पुलिस को इस बात की खबर दी गई और इसी के साथ हाल के दिनों में दिल्ली में हुई इस सबसे बड़ी चोरी में शामिल चेहरों की तलाश पुलिस शुरू कर देती है। दिल्ली के जंगपुरा इलाके के भोगल मार्केट में ज्वेलरी के कई विशाल और आलीशान शोरूम हैं। इन्हीं में से एक है ये उमराव सिंह ज्वेलर्स नाम की दुकान, जिसे उमराव सिंह और महावीर प्रसाद जैन मिलकर चलाते हैं। भोगल का ये मार्केट हफ्ते में एक रोज सोमवार के दिन बंद रहता है और रविवार 24 सितंबर को दिन भर के कारोबार के बाद रात करीब 8 बजे ये दुकान बंद हुई थी। लेकिन जब एक रोज़ बाद यानी मंगलवार सुबह 10:30 बजे के करीब ये भी शोरूम का ताला खोला गया तो अंदर की हालत देखकर दुकानदार के साथ साथ वहाँ काम करने वाले लोगों के भी पैरों तले मानो जमीन खिसक गई हो। चोरों ने पूरा का पूरा शोरूम ही साफ कर दिया था, मानो किसी ने बंद शोरूम में झाड़ू लगा दी हो। दुकान की अलमारियाँ और शोकेस की में रखी ज्वेलरी के साथ साथ यहाँ बने खुफिया स्ट्रॉन्ग रूम तक में सेंधमारी कर चोरों ने सोने चांदी की ज्वेलरी के अलावा कीमती जेमस्टोन यानी कि हीरे जवाहरात तक सब कुछ उड़ा दिए थे। स्ट्रॉन्ग रूम की दीवार पर बनी ये गुमनाम छेद अपने आप में सारी कहानी बयां कर रहा है। वैसे तो इस दुकान में चोरी की किसी भी वारदात को रोकने के लिए कुल 6 CCTV कैमरे लगे हैं, लेकिन चोर इतने शातिर थे कि उन्होंने न सिर्फ उन सभी के सभी 6 कैमरों को ख़राब कर दिया बल्कि उनके तार भी निकाल दिए। चोरों ने जिस स्ट्रॉन्ग रूम को ख़ास तौर पर टारगेट किया वो स्ट्रॉन्ग रूम शोरूम के ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद है, जिसके तीन तरफ कॉन्क्रीट की दीवार है और एक साइड पर लोहे का दरवाज़ा। लेकिन इतनी सख्त सुरक्षा के बावजूद चोरों ने करीब 1.5 फीट चौड़ी स्ट्रॉन्ग रूम की दीवार को रातों रात आसानी से छेद दिया और स्ट्रॉन्ग रूम के 32 अलग अलग लॉकर्स में रखी ज्वेलरी पर भी हाथ साफ कर वहां से फरार हो गए। चोरों के बाद दुकान का ये मंजर देखकर दुकानदार को तो खैर संभलने में कई मिनट लगे होंगे, काफ़ी लंबा वक्त लगा होगा, लेकिन पुलिस के पहुंचने पर उन्होंने जो कुछ बताया उसके मुताबिक दुकान से 30 किलो सोने की ज्वेलरी के साथ साथ लाखों रुपए की कीमती जेमस्टोन और 5 लाख रुपए कैश भी गायब थे। हालांकि 75 साल पुरानी इस दुकान के मालिक महावीर प्रसाद जैन ने इस वारदात को लेकर किसी पर भी शक होने के बारे में पूछने पर उनका जवाब उन्होंने ना ही बोला, बल्कि उन्होंने कहा कि यहाँ काम करने वाले सारे के सारे मुलाजिम सालों से उनके यहाँ काम कर रहे हैं, ऐसे में वो किसी पर भी शक नहीं कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि एक ऐसी दुकान जिसमें सामने से ताला बंद हो और पीछे से भी कोई दीवार या दरवाज़ा ना तोड़ा गया हो, तो चोरों ने आखिरकार उस दुकान के अंदर एंट्री कैसे मारी और कैसे वो रातों रात सारा माल लेकर रफू चक्कर हो गए। तो सीन ऑफ क्राइम यानी मौका वारदात को देखकर पुलिस और दुकानदार दोनों का ये मानना है कि चोर इस शोरूम में छत के रास्ते से दाखिल हुए। असल में उमराव सिंह ज्वेलर नाम की दुकान 3 मंजिला है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर मेन शोरूम है जहां ज्वेलरी खरीदने और बेचने का काम होता है। इसी फ्लोर पर स्ट्रॉन्ग रूम भी बना हुआ है जिसे ज़रूरत के मुताबिक खोला और बंद किया जाता है, जबकि ऊपर के 3 मंजिलों पर स्टॉक को स्टोर करके रखने के साथ साथ डिज़ाइनिंग और रिपेयरिंग का काम चलता है। क्योंकि दुकान का ताला सामने से बिल्कुल इंटरेक्ट था तो इसकी बाहरी दीवार पर कहीं से कोई सेंधमारी नहीं हुई थी, तो ये साफ था कि जो चोर थे वो छत के रास्ते ही अंदर आए थे। वैसे भी मंगलवार की सुबह दुकानदार को छत के दरवाजे का ताला टूटा हुआ मिला था। अब एक सवाल ये भी है कि चोर आखिर दुकान की छत तक पहुंचे कैसे, तो पुलिस इस संभावना को भी समझने की कोशिश कर रही है। शक है कि शायद चोर पहले आसपास की किसी दूसरी बिल्डिंग की छत पर पहुंचे, फिर वहां से दुकान की छत पर, और फिर दुकान के अंदर आते ही चोरों ने सिर्फ सबसे पहले CCTV बल्कि वाईफाई के सारे तार भी वहां से डिस्कनेक्ट कर दिए और अपने काम में लग गए। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने अपनी तफ्तीश की शुरुआत CCTV फुटेज से ही की। पुलिस को दुकान के अंदर 3 नकाबपोश नजर आए जो CCTV कैमरों को डिस्कनेक्ट करने से पहले उनमें कैद हो गए। इसके अलावा आसपास की दुकानों में लगे कुछ और CCTV कैमरों में पुलिस को कुछ और संदिग्ध लोगों की तस्वीर नजर आई। ये तस्वीरें रविवार की रात करीब 11:30 बजे के बीच कैद हुई थी।
जिन्हें देखकर पुलिस को ये यकीन है कि चोरी की वारदात रात 11:30 से 12 बजे के बीच ही हुई है। पुलिस को रविवार की रात को मार्केट में एक टाटा सूमो गाड़ी भी संदिग्ध तरीके से चक्कर लगाती हुई नजर आई और उसे शक है, मतलब पुलिस को शक है कि चोर शायद इसी गाड़ी में सवार होकर वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे। वैसे दुकान के मालिक बेशक अपने किसी मुलाजिम पर कोई शक न कर रहे हों, लेकिन पुलिस को लगता है कि बगैर किसी इंसाइडर यानी भेदिए के ये पूरी वारदात को अंजाम नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि जिस तरह से चोरों ने दुकान में छत के रास्ते से टारगेट किया, शोरूम के बाहर लगे ताले को तोड़ने से बचते रहे और जिस तरीके से वो अंदर घुसकर एक एक करके ज्वेलरी के साथ साथ स्ट्रॉन्ग रूम की दीवार तक में सेंध लगाकर वहाँ से पैसे और वहाँ से ज्वेलरी उड़ा कर ले गए, वो दुकान के अंदर की पूरी जानकारी रखने वाले किसी कर्मचारी या पूर्व कर्मचारी या फिर रिश्तेदार या फिर ग्राहक के सिवा कोई और नहीं बता सकता। पुलिस के रडार पर वैसे तो इस वक्त हर कोई शामिल है, लेकिन दुकान के वैसे कर्मचारियों पर ध्यान थोड़ा ज़्यादा है जो या तो लंबी छुट्टी पर हैं या फिर काम छोड़कर जा चुके हैं। सीन ऑफ क्राइम और वारदात को अंजाम देने के तरीके को देखकर ये भी शक है कि शायद इस वारदात के पीछे दिल्ली के बाहर का कोई क्रिमिनल गैंग शामिल है। चोरों की बॉडी लैंग्वेज और उनके द्वारा इस्तेमाल की गई गाड़ी के साथ साथ वारदात को अंजाम देने की उनकी टाइमिंग को देखकर पुलिस को शक है कि ये किसी भारी गैंग का काम हो सकता है। जिस तरीके से चोरों ने रविवार रात को दुकान बंद होने के कुछ ही देर बाद इस वारदात को अंजाम देने का फैसला किया, उससे साफ था कि चोर वारदात को अंजाम देकर जल्द से जल्द दिल्ली से दूर चले जाना चाहते होंगे, क्योंकि चोरी के बाद इसका खुलासा होने तक पूरे तकरीबन 30 घंटे का वक्त निकल गया था और इतने टाइमिंग में चोर दिल्ली पुलिस और कानून से आराम से दूर भाग जाना चाहते होंगे। फिलहाल हज़रत निज़ामुद्दीन पुलिस ने इस सिलसिले में रिपोर्ट दर्ज करने के साथ साथ 10 टीमें बनाकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस की ये 10 टीमें अलग अलग तरीके से मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। अब आपको मैं बताऊं ये जो 10 टीमें हैं ये क्या क्या कर रही हैं। तो इनमें से एक टीम जो है वो CCTV फुटेज खंगाल कर चोरों के बारे में सटीक जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। वहीं कुछ पुलिस वाले इलाके से लिए गए मोबाइल का डम डाटा रीड करने में लगे हुए हैं। वहीं एक टीम कर्मचारियों से पूछताछ करने और उनका बयान लेने का काम सौंपा गया है टीम को। वहीं एक टीम दिल्ली से बाहर के वैसे गैंग के बारे में जानकारी जुटा रही है जो ऐसे काम करते हैं। पुलिस उस टाटा सुमो गाड़ी की भी अब तलाश कर रही है जो वारदात के वक्त नजर आई थी। इतना ही नहीं, पुलिस की एक टीम फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर मौके से कलेक्ट किए गए फिंगरप्रिंट्स का पुराने बदमाशों के साथ फिंगरप्रिंट्स उनके मिलाकर पूरी जांच कर रही है। वहीं एक टीम ने ज्वेलरी की सारी पुरानी तस्वीरें निकाली हैं और उनके सारे चुराए गए ज्वेलरी की तलाश शुरू कर दी है। ये मामला दिल्ली में हुई अब तक की सबसे बड़ी चोरी का है। जाहिर है इस बात से ना सिर्फ पुलिस के हाथ पांव फुला दिए हैं बल्कि वो जल्द से जल्द इसका खुलासा भी करना चाहती है, क्योंकि ये सिर्फ कानून और इंसाफ की बात नहीं है बल्कि दिल्ली पुलिस की साख का भी सवाल है। लेकिन इस वारदात के बाद दिल्ली में फिर एक इसी तरह की एक और वारदात हुई। इस वीडियो के एक एक फ्रेम को गौर से देखिएगा, क्योंकि चंद सेकंड बाद आप जो कुछ देखने जा रहे हैं वो आपको हैरान कर देगा। ये दिल्ली के समयपुर बादली का एक ज्वेलरी शोरूम है। वक्त देखिए 27 सितंबर 1:26, ज्वेलरी शोरूम में फिलहाल सब कुछ सामान्य नज़र आ रहा है। तभी हेलमेट पहने दो लड़कों ने की एंट्री होती है। हेलमेट में इन्हें शोरूम के अंदर सब उनकी तरफ देखने लगते हैं, जैसे ही हेलमेट पहनकर शोरूम में एंट्री करते हैं। तभी उनमें से एक लड़का पिस्टल निकाल कर तान देता है। इसके बाद चंद सेकंड के अंदर ही एक और नकाबपोश लुटेरे की एंट्री होती है, उसके हाथ में भी पिस्तौल है। पिस्तौल वाले दोनों लुटेरे शोरूम के स्टाफ को धमकाते नजर आते हैं। दूसरी तरफ उनके साथी सोने के जेवरात बटोरने में जुट जाता है। विरोध करने पर शोरूम के स्टाफ को उसका एक चाटा भी जड़ दिया जाता है शोरूम के स्टाफ को। महज 77 सेकंड में तीनों लुटेरे ज्वेलरी शोरूम के एक एक हिस्से पर हाथ साफ कर वहां से फरार हो जाते हैं। तीनों लुटेरे एक ही बाइक से आए थे। CCTV में तीनों लुटेरे बाइक से फरार होते भी नजर आ रहे हैं। जिस इलाके में लूट की वारदात हुई वो बेहद घना कारोबारी इलाका है, फिर भी लुटेरे भागने में कामयाब रहे। शोरूम के ठीक सामने इस शॉप के दुकानदार ने क्या देखा आप उसी चश्मदीद से सुनिए। मैं यहीं बैठा था तो उस साइड से तीन पहले एक बंदा गया उस साइड से शॉप के अंदर एंट्री करता है, साथ साथ भी दूसरा भी एंट्री कर लेता है, उसके बीच में तीसरा बंदा भी एंट्री, तीन बंदे एंट्री करते हैं। अमूमन जनाब कस्टमर ऐसे होते हैं कि आते हैं बाइक खड़ी करते हैं, तेजी से अंदर जाते हैं, पुश पुल जो भी करते हैं,
जाके सिटिंग पे बैठते हैं, उनका सीन मुझे घुसते क्योंकि उन्होंने पूरा साफ ऐसा बांध रखा था, कोट पैंट पहन रखा, उनकी आंखें खुली हुई थी, तो मुझे घुसते ही क्लिक कर गया था ये कुछ कांड करने वाले। दिल्ली के जंगपुरा में 25 करोड़ की चोरी के ठीक एक दिन बाद सेमेपुर बादली में लूट की वारदात हुई है। पुलिस दोनों लुटेरों की तलाश, दोनों लूट के में अंदर जितने भी लुटेरे हैं उनकी तलाश अब कर रही है। उम्मीद करते हैं दोनों लूट की जो वारदातें हुई हैं इनमें जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी अपराधी जिन लुटेरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है, वो जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे। फिलहाल इस ज्वेलरी हाइस्ट के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम।